डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, इनको समझने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। लेट्स से वी आर गिवन टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। आर हमें एक रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सच दैट इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर विच। अगर हम पहले एलिमेंट का स्केयर करें तो आंसर आए सेकेंड एलिमेंट। एंड ऑफकोर्स जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए में बिलोंग करेगा एंड सेकेंड एलिमेंट वो सेट बी में बिलोंग करेगा। तो रिलेशन में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। दैट इज सेट ए के एलिमेंट्स का अगर हम स्केयर करें तो आंसर सेट बी का एलिमेंट आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग विद वन। अगर वन का स्केयर करें तो आएगा वन जो यहाँ पर प्रेजेंट है। इट मीन्स 1,1 इज वन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। टू का स्केयर करें मिलेगा 4। इट मीन्स 2 का रिलेशन 4 के साथ है। नाउ 3 स्केयर दैट इज 9, बट वो तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। इट मीन्स हम यहाँ पर कहेंगे 3 इस सेट में किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है, सो हम इस ऑर्डर पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, मूविंग ऑन, नेक्स्ट एलिमेंट इज 4। अगर 4 का स्केयर करें तो मिलेगा 16। इट मीन्स 4 का रिलेशन 16 के साथ है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 5। 5 स्केयर इज 25, विच अगेन डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। इट मीन्स हम 5,25 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। सो वी हैव टू एंड अप आवर रिलेशन हेयर। क्लियर, ये थी हमारे सेट की सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इसे कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। हर बार यही काम करना है, जब सेट बिल्डर फॉर्म गिवन हो उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। नाउ हैविंग डन दिस, इट इज वेरी इजी टू से व्हाट इज डोमेन। डोमेन इज सिंपली सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सिंपली उसे लिख दो, दैट इज 1, 2 and 4 इज डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। रेंज, रेंज इज नथिंग बट जस्ट द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ गिवन रिलेशन। तो हमारे पास रेंज आ गई 1, 4 and 16। फाइनली कोडोमेन, कोडोमेन इज ऑलवेज द सेकेंड सेट जो इस केस में सेट बी है। इजी, तो जब भी हमें क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन हो उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन हम उसके डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन इजीली बता सकते हैं। वन थिंग मोर, जो हमारा रेंज वाला सेट होगा वो कोडोमेन का हमेशा सबसेट आएगा या फिर बराबर आएगा। वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोडोमेन थी हमारी यहाँ पर होल सेट बी एंड रेंज आई थी 1, 4, 16। क्लियरली इट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। किसी किसी केस में रेंज कोडोमेन के बिल्कुल बराबर आएगी, उसे भी देख लेंगे। नाउ इस क्वेश्चन में भी हमने डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करने हैं। हमें दो सेट्स गिवन है ए एंड बी। आर इज वंस अगेन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सच दैट इट कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स हूज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज एन इवन नंबर। एंड ऑफ कोर्स ए फर्स्ट सेट में से होगा, बी सेकंड में से। नाउ द फर्स्ट थिंग, कन्वर्ट इट इनटू रोस्टर फॉर्म। फॉर दिस लेट्स बिगिन विद 2। 2 माइनस 6 वुड गिव अस अ इवन नंबर, सो वी विल कंसीडर दिस पेयर। 2 माइनस 7 वुड गिव अस एन ऑड नंबर, सो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। 2 minus 8 would give us an even number. Moving on, next element is 3. 3 minus 6 give us odd number. 3 minus 7 give us even number. So consider this pair. 3 minus 8 would give us odd. So don't consider. 4 minus 6 even. 4 minus 7 odd. 4 minus 8 even. Next, 5 minus 6 odd. 5 minus 7 even and 5 minus 8 odd. So, इस रिलेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। Now, what is domain? Domain is all the first elements.
बस ये बात ध्यान रखना, सेट में एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते। सो डोमेन आ गई 2, 3, 4 एंड 5, विच इज एंटायर सेट ए दिस टाइम। रेंज इज ऑल दी सेकेंड एलिमेंट्स, दैट इज 6, 7 एंड 8, विच इज एंटायर सेट बी दिस टाइम। एंड कोड मेन वो तो हमेशा ही होती है सेकेंड सेट। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो जो हमारी रेंज आई वो इक्वल आई कोड मेन की। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। नाउ हियर इफ यू सी अवर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल्स, दैट मीन्स रिलेशन हमें गिवन है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल्स टू द नेचुरल्स। सो सबसे पहला काम, इसे कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में, दैट इज वो सारे ऑर्डर पेयर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, एंड ऑफ कोर्स एक्स हमारा लेस देन 6 हो। सो स्टार्टिंग विद 1, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू 1 + 6/1, विच इज इक्वल टू 7। इट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर आया 1, 7। नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, बिकॉज हमने नेचुरल नंबर ही तो लेने हैं, तो वाई आया 2 + 6/2, विच इज इक्वल टू 2 + 3, 5। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज 2, 5। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, वी गेट वाई इज इक्वल टू 3 + 6/3, दैट इज 3 + 2, वंस अगेन 5। सो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज 3, 5। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, वी गेट वाई इज इक्वल टू 4 + 6/4, विच इज इक्वल टू 4 + 3/2, विच दिस टाइम वुड गिव अस अ फ्रैक्शन। बट हमें तो चाहिए वाई, हमारा क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर है ना। सो इस पेयर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली द नेक्स्ट एलिमेंट इज एक्स इज इक्वल टू 5, देन वाई इज इक्वल टू 5 + 6/5, विच वंस अगेन वुड गिव अस अ फ्रैक्शन। तो इसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, एंड 5 के आगे तो हमने जाना ही नहीं बिकॉज एक्स इज लेस देन 6। सो हमारा रिलेशन यहीं पर एंड होता है। तो डोमेन आई हमारे पास 1, 2 एंड 3, रेंज आई 7 एंड 5, एंड कोडमेन इज ऑलवेज द सेकेंड सेट विच इज सेट ऑफ नेचुरल्स। नाउ फाइनली आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है, बस यहाँ ये ध्यान रखना एक्स एंड वाई दोनों होल नंबर्स हैं, एंड होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते। सो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।